सो गाइस, आज हम बनाएंगे उबले आलू और गेहूं के आटे से चटपटे नमक पारे। बहुत ही खस्ता बनते हैं और टेस्टी लगते हैं, जिसे आप महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है। जैसे ही हमारा पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 चम्मच के करीब जीरा। जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब तिल। तिल ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मिर्च और लहसुन की पेस्ट। इसे मैंने कूट कर लिया है। अब हम इसे भी इसमें ऐड करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/4 कप के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 चम्मच के करीब नमक। यह आप स्वाद के अनुसार नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 कप के करीब गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब सूजी। सूजी ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम पर रखनी है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें इसे कंटिन्यू मिलाते रहना है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू को उबाल कर इसके ऊपर का छिलका निकाल के लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर लिया है। अब हम इसे एकदम अच्छे से कद्दूकस करेंगे। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें दोनों भी आलू को एकदम अच्छे से कद्दूकस करना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें इसे कंटिन्यू मिलाते रहना है और इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसका डो बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका डो बनाकर रेडी करना है। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसके 2 भाग बनाकर रेडी कर लिए। अब हम इनमें से एक लूही लेंगे और इसे रोटी के तरह बेल लेंगे। हमें इसे एकदम पतला पतला बेलना है और थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमें इस तरह से इसे बेलना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसकी एकदम मोटी सी रोटी बनाकर रेडी कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे बनाकर रेडी करना है। अब मैंने यहाँ पर एक नाइफ लिया है। अब हम नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। हमें ये स्नैक जिस भी शेप में बनाना है, आप उस शेप में इसे काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे कट करना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा नमक पारे बनकर रेडी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं, कितने ज़्यादा दिखने में टेम्पटिंग लग रहे हैं। साइड में हमारा ऑयल भी एकदम अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें सारे नमक पारे डाल देंगे। नमक पारे डालने के बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगभग
8 से 9 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। 8 से 9 मिनट में ही एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो अलटते पलटते मैंने इसे एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। इसे कितना बेहतरीन कलर आया है आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे नमक पारे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे नमक पारे कितनी ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहे हैं और एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।